हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज हमने पीछे एक दो वीडियोस डाले थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, जो हमने कुछ उसमें से की क्वेश्चंस जो हैं वो पिक किए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो सीरीज़ है, हम ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये बेसिकली मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बनाने लगा हूँ। तो इट वुड बी दी फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट सीरीज़। इसका टाइटल भी हम यही रखेंगे, आपके सवाल हमारे जवाब, योर क्वेश्चंस आर आंसर्स फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। सो दिस वुड बी एपिसोड वन, या इसका फर्स्ट ये सीरीज़ का होगा। और इसमें मैंने कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो पे जो आपके कमेंट हों, आप प्लीज़ अपनी क्वेरीज इसमें डालें, और उसमें से जो भी क्वेरीज जो होंगी उनके ऊपर हम सीरीज़ टू बनाएंगे, और इसी तरह से ये सीरीज़ को आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रोसेस नहीं पता है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत सारी दिमाग में शंकाएं हैं, भ्रांतियां हैं या मिसकंसेप्शंस हैं, उनको हम दूर करेंगे। क्योंकि बहुत कम कंसल्टेंट्स हैं पंजाब में, हरियाणा में, नॉर्थ इंडिया में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस को अच्छी तरह से जानते हैं। बिकॉज यहाँ पे आपको भ्रम फैलाने वाले ज़्यादा मिलेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाने वाले ज़्यादा मिलेंगे, आपको प्रोसेस की नॉलेज देने वाले बहुत कम मिलेंगे। हाँ, अगर आपका कंसल्टेंट एरी मेंबर है, देन यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं। ये सागर राणा जी का क्वेश्चन है। सागर राणा मुझे पूछ रहे हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई बीए विद मैथ्स इन 2019 फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कैन आई अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया फॉर मास्टर्स विदाउट आइल्स। सागर, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। सबसे पहले, आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है, विच इज़ विद बीए विद मैथ्स। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सेक्शन वन यूनिवर्सिटी है, दैट मीन्स एक कंडीशन आपने पूरी कर ली है। आई होप कि आपने जो ग्रेजुएशन की है उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश ही हुआ होगा, मैथ्स में आपने की है। मैथ्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की सब्जेक्ट। तो आप बिल्कुल ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए विदाउट आइल्स के लिए क्वालिफाई करते हो। फॉर फर्दर डिटेल्स, आगे की डिटेल्स जानने के लिए आप दिए हुए क्वेश्चंस पे कॉल, नंबर्स पे कॉल करके अपनी प्रोफाइल के बारे में अच्छी तरह से आप डिस्कशन कर सकते हो। यू कैन सेंड अस योर यू नो ट्रांसक्रिप्ट्स, योर डिटेल मार्कशीट्स, एंड लेट अस नो योर फाइनेंशियल यू नो कैपेसिटी, आपके कौन फंड शो करेगा, फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, कितने की फैमिली इनकम है, ये सारी चीज़ें आपको हम आप या तो विज़िट कर लीजिए अगर पास में रहते हैं, चंडीगढ़ में हमारा ऑफिस है, और अगर आप नहीं आ सकते, ठंडवा माहौल है, तो आप दिए हुए नंबर पे किसी पे भी कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग रोहित करके प्रोफाइल है यूट्यूब पे, उसने लिखा है, जी आई हैव पास्ड माई ट्वेल्थ विद 2.5 GPA। Now recently I have applied student visa on Skyline International College Sydney in certificate for accounting and bookkeeping, diploma in accounting, my consultancy chose this for me pathway, मतलब ये pathway courses ने लिया है, मेरे ख्याल ये level 4 to diploma to advanced diploma होगा, ये wet sector में इन्होंने apply किया है। I have PTE score, इन्होंने अपने नंबर नहीं लिखे, इन्होंने कंपेयर कर दिया आर्ट्स के साथ, ओवरऑल 6 हैं, 1 स्पीकिंग है, और 11th में मेरे सब्जेक्ट क्लास 1 सब्जेक्ट डी प्लस, मतलब एक सब्जेक्ट में इनके डी प्लस थे, ये बता रहे हैं। नाउ आई ऑलरेडी गॉट द ऑफर लेटर COE, मेडिकल भी हो गया, फाइल भी लॉज हो गई है, सो प्लीज़ टेल मी सर, ऑल दिस सब्जेक्ट्स आर गुड डिसीजन फॉर मी। किंग रोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर यू नो पोस्टिंग योर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें मेरे को आपने प्लस टू पास की है, इसमें मुझे नहीं पता आपने क्या सब्जेक्ट के साथ पास की थी। अगर कॉमर्स के साथ आपने प्लस टू पास की थी, यू कुड हैव गॉन फॉर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री इंस्टेड ऑफ यू नो सर्टिफिकेट 4 लीडिंग टू डिप्लोमा लीडिंग टू एडवांस डिप्लोमा। जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये I don't know, I don't want to comment on this, but I wish you all the best, because अब आपका सारा प्रोसेस जो आपका हो गया, फाइल लग गई है, तो मैं चाहता हूँ भगवान करे आपका डिसीज़न जो है वो पॉजिटिव ही आए, और अब आप अपना ड्रीम जो है ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ने का वो पूरा कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम करण सिंह। करण सिंह ने क्वेश्चन किया है, जी सर आई हैव डन 12th इन 2019, मेडिकल स्ट्रीम में की है, 66% हैं, आइल्स मेरे ओवरऑल 6 हैं,
वन मॉड्यूल 5.5 है, वन टाइम रिफ्यूज फ्रॉम कैनेडा, कैन आई अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। करण आपने प्लस टू की है 2019 में और आपके सिक्स मेडिकल स्ट्रीम में की है 66% है। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि आपका बोर्ड कौन सा था। उसके बाद आपने जो जो परसेंटेज कैलकुलेट की है, क्या ये टॉप फोर सब्जेक्ट्स में की है या ओवरऑल एग्रीगेट आपने परसेंटेज कैलकुलेट की है। आईएलटीएस 6 विद 5.5 इन वन मॉड्यूल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अप्लाइंग इन ऑस्ट्रेलिया। वन टाइम रिफ्यूजल कैनेडा से इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, बट द थिंग इज वट हैव यू बीन डूइंग सिंस 2019। 2021 में चलो हम मान सकते हैं, क्योंकि हाई कमीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भी बोल दिया था कि ठीक है अगर बच्चे ने कुछ नहीं किया है तो वी मे गिव यू दी लिवरेज। ये आपका जो प्रोफाइल है इसमें कुछ क्वेरीज हैं जो मैं कुछ और क्वेश्चंस निकल के आए हैं, जैसे कि आपका बोर्ड कौन सा था, आपके टॉप फोर सब्जेक्ट में कितने नंबर थे। तो ये चीज़ें अगर आप हमें कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हो तो प्रॉब्ली विल बी इन ए पोजिशन टू गाइड यू, और आपका वैसे डूएबल केस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जसप्रीत कौर हैं, ये पूछ रहे हैं जी आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर इन 2016 विद 80%, कैन आई अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। 10th विद 75%, प्लस टू आर्ट्स 90%, बीसीए 75%, एमसीए 80%, जिन्होंने मास्टर्स की है। जसप्रीत जी आप अप्लाई कर सकते हो, बट 2016 के बाद जब आपने एमसीए कंप्लीट की है उसके बाद आप क्या कर रहे हो। अगर उसके बाद आप जॉब कर रहे हो तो अप्लाई तभी करना अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है। अगर आप कहने वाले हो कि मैंने कैश सैलरी ली है तो आई एम अफ्रेड आपको कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आइल्स का भी आपने नहीं बताया, तो आइल्स मिनिमम 6 ईच होना चाहिए या 6.5 विद लो एंड लेस देन 6 होने चाहिए। इंस्टेंट रिव्यूज नाम से एक प्रोफाइलर उन्होंने पूछा है जी, आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स इन 2017, देन आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। Now I want to go to Australia for higher studies. Am I eligible? Because I have a study gap of 5 years. Instant reviews, आप जो भी हैं, आपने bachelor's की है, आपने किस stream में bachelor's की है, किस university से की है, क्या आपकी percentage थी, पहला question। दूसरा question, आप business कर रहे हो, that is not a problem। Business कर रहे हो उसके बाद भी आप अपनी पढ़ाई के लिए जा सकते हो Australia में, it is not a problem। किस चीज़ का business कर रहे हो, क्या वो business किसी body के साथ registered है, क्या आपका current account है, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको देने बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद 5 ईयर स्टडी गैप इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आपका बिजनेस कंटिन्यूटी है, बिजनेस की बिजनेस आपका कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, आप उसकी ITR भर रहे हो, आपके पास करंट अकाउंट है एंड यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू जस्टिफाई दैट येस एक्चुअली यू आर इन्वॉल्व इन अ बिजनेस एंड नाउ यू विश टू स्टडी फर्दर इन ऑस्ट्रेलिया और आपके आइल्स आप ले लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है जी नरेश पंचाल जी, आई हैव पास माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी लैंग्वेज, एम ए हिंदी की है उन्होंने, 10th 69% इन आर्ट्स, 12th 65%, बैचलर ऑफ आर्ट्स 60%, मास्टर्स 55% एंड लास्ट वन टीचिंग डिप्लोमा बी एड 69%, 22 पास आउट बी ए। मतलब इन्होंने टीचिंग डिप्लोमा भी किया है, बी एड भी की है, बी एड इन्होंने 2020 में की है, 2020 के बाद ये कह रहे हैं मेरा गैप है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इनके PTE में ओवरऑल 62 मार्क्स हैं, नॉट लेस देन 60। अगर मैं बात करूं आपकी, ऑब्वियसली आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करोगे ऑस्ट्रेलिया में, यू कुड हैव गॉन फॉर टीचिंग, बट फॉर टीचिंग दीज PTE स्कोर्स आर नॉट इनफ। अगर आप किसी और मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो द बेस वुड बी योर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में आपके क्या सब्जेक्ट्स थे। अगर ग्रेजुएशन में कोई अच्छे सब्जेक्ट नहीं थे और हिंदी ही ज़्यादा था तो थोड़ा सा ये जो प्रोफाइल है उतना मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। हाँ, ऑल्दो आपका PTE स्कोर अच्छा है, बट देन सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैटर करते हैं, बिकॉज आपका हिंदी जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, उसके बेसिस पे आप कौन सा कोर्स करने जाओगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लकी विनर करके प्रोफाइल है जी, वो पूछ रहे हैं, मैंने 2018 में प्लस टू की है, 60% ओवरऑल 6, टू मॉड्यूल 5.5, बड़ा ही वेग सा क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई। 2018 में की है, कौन से सब्जेक्ट में की है, कौन से बोर्ड से की है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में। 18 के बाद क्या कर रहे हो, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो आई एम अफ्रेड कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा। हाँ, कोई प्राइवेट कॉलेज आपको मे एक्सेप्ट, बट द चांसेस वुड नॉट बी ग्रेट। उसके बाद हम आते हैं गुरविंदर कौर 208, इनका प्रोफाइल है,
इन्होंने पूछा सर प्लीज़ ये दस दो कि ऑस्ट्रेलिया ब्रिजिंग वीज़ा बी होल्डर्स लई कदों फ्लाइट शुरू करेगा। गुरविंदर जी जैसा आप जानते हैं आपके पास ब्रिजिंग वीज़ा बी है, वो ब्रिजिंग वीज़ा आपको या तो आपका ड्यूरिंग स्टडी वीज़ा ख़त्म हो गया तब आप अप्लाई करते हो, या आपने आप TR अप्लाई करनी है उसके बाद, मतलब स्टडी वीज़ा ख़त्म होने के बाद और स्टडी ख़त्म होने के बाद आप अपना TR के लिए अप्लाई करते हो तो वो ब्रिजिंग वीज़ा बी मिलता है। देखिए अभी जो नोटिफिकेशन आई है फ्लाइट्स बॉर्डर ओपन होने की, वो बताया उन्होंने कि जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा है वो, या जिनके पास वर्क परमिट है वो जा सकते हैं। तो आपके बारे में जो ब्रिजिंग वीज़ा बी की बात करूं, ना ही हाँ बोली है और ना ही ना बोली है। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, आप एयरलाइन से कांटेक्ट करिए, स्पेशली क्वांटस एयरलाइन आई वुड रेकमेंड बिकॉज दैट इज़ एन ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन। सो यू कैन राइट टू क्वांटस एयरलाइन एंड आस्क देम विल आई, आप अपने जो वीज़ा आपके पास है उसकी कॉपी आप उनको भेज सकते हो, क्वेरी डाल सकते हो कि आपको वो बता देंगे कि हाँ यू आर फिट टू ट्रैवल और आप बुक करा सकते हो या अभी नहीं करा सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ यू नो मेरे से या किसी और से पूछने के बजाय, क्योंकि एयरलाइन ही उनकी डिस्क्रिशन होती है कि अगर ये दिस कैटेगरी में लोगों को आने के लिए अलाउ किया है तो क्या ये जो बीच का टाइम है जो ब्रिजिंग वीज़ा जिस पे बोलते हैं तो उनको अलाउ किया है कि नहीं किया है। रंजीत सिंह पूछ रहे हैं जी मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है बट माय फाइल इज़ ऑलरेडी प्रोसेसिंग सो कैन आई अपडेट माय पासपोर्ट नंबर। हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि एक एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया में कि आपको जो वीज़ा आता है वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आता है, आपको मेल से वीज़ा आता है और अगर आपका उस पर, क्योंकि वीज़ा पे पासपोर्ट नंबर लिखा होता है, अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो रही है, मान लो देखो पहली बात तो 6 महीने की वैलिडिटी तो मिनिमम चाहिए जब आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, तो दैट मीन्स अगर मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी वीज़ा आने के बाद भी 6 महीने या साल मिनिमम होगी। वंस यू नो ट्रैवल, आप उसमें अपना लॉग इन करके ईमी अकाउंट में आप अपना पासपोर्ट नंबर है जो अपडेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरमन पूछ रहे हैं जी सर कैन आई अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया, माई 10th मार्क्स 95.8% 2019, 12th मार्क्स 2021 नॉन मेडिकल 96, आईएलटीएस ओवरऑल 6.5, नो बैंड लेस देन 5.5। अमेजिंग प्रोफाइल है हरमन, आप अप्लाई भी कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया की और आपका वीज़ा भी आएगा ही आएगा। कलेर पूछ रहे हैं जी आई हैव डन प्लस टू नॉन मेडिकल 61%, देन आई डिड बीए विद इकोनॉमिक्स इंग्लिश लिटरेचर फैशन डिजाइनिंग 75%, आईएलटीएस 6.5 नॉट लेस देन 6। आप भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, गुड टू गो प्रोफाइल है, बट आपने ये नहीं बताया कि आपने कौन से साल में ग्रेजुएशन की है, तो वही क्वेश्चन आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिस्कसिंग योर प्रोफाइल विद द कंसल्टेंट, बिकॉज तभी आपको राइट ऑप्शन या राइट चॉइस हम आपको बता सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आज हमने लिए हैं पिछली वीडियो से। तो दिस वुड बी द फर्स्ट वीडियो इन क्वेश्चन आंसर सीरीज, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप अगर लिखना चाहते हो कि प्लस टू की है, प्लस टू किस बोर्ड से की है, कितनी परसेंटेज टॉप 4 सब्जेक्ट्स में थी, ग्रेजुएशन की है किस यूनिवर्सिटी से की है, कितनी परसेंटेज थी ग्रेजुएशन अगर आपकी 2019, 2018, 2017, 2016 है तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ये मेंशन करना मत भूलिए, तभी मैं आपको राइट आंसर दे पाऊँगा। उम्मीद है आपको ये सेशन जो हमारा है ये प्रोसेस अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और हर बंदा अपना सवाल लिख के हमें डाले ताकि हम उसके ऊपर आंसर दे सकें। थैंक यू सो मच।